अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक मोबाइल दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है, सैमसंग X2। ये बिल्कुल अभी 2020 में आएगा, लेकिन इसका एडवांस मैं आपको रिव्यू दूंगा, इसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी 2020 में आने वाले मोबाइल को देख ले। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी मोबाइल के बारे में, वो भी आपने बहुत पसंद की। अब ये बना रहा हूँ, इसके बाद और मोबाइल और एक घड़ी स्पेशली मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत जल्द, तो आपने उस वीडियो को भी देखना है। और जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आता रहूंगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मोबाइल वीडियो की तरफ। दोस्तों, सैमसंग दुनिया की टॉप मोबाइल कंपनियों में आती है। सैमसंग ने अब ऐसा मोबाइल निकाला है जिसके चारों तरफ डिस्प्ले है। इंच क्वाड कोर सुपर एएमओएलईडी डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है इसमें। इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855 प्लस है। इसकी रैम 16 GB और स्टोरेज 1 TB होगी। दोस्तों, अगर इसके कैमराज की बात की जाए, तो पहले हम आपको इसके सेल्फी कैमरा के बारे में बताते हैं। सेल्फी कैमरा इसका है 23 MP मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, जो कि डिस्प्ले के अंदर ही मौजूद होगा। और अगर बैक कैमराज की बात की जाए, तो 64 MP प्राइमरी सेंसर है इसमें, 48 MP टेलीफोटो कैमरा है, और 64 MP डेप्थ लेंस है इसकी, और चौथा जो है 8 MP RGB सेंसर है इसमें। दोस्तों, अगर इसकी बैक साइड की बात की जाए, तो प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन है इसके। दोस्तों, अगर इसकी बैटरी की बात करें, तो इसकी बैटरी आज तक मैंने जितने भी मोबाइल देखे हैं, सब में स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 5000 mAh इसकी बैटरी है, और ये फिक्स है, नॉट रिमूवेबल है। दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की हम बात करें, तो इसकी प्राइस 128 GB स्टोरेज वाले मोबाइल की प्राइस $1000 होगी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1.25 लाख बनते होंगे। और अगर 256 GB की बात करें, तो $1199 इसकी प्राइस है, और जिस मोबाइल की स्टोरेज 512 GB है, उसकी प्राइस $1500 तक होगी। काफ़ी कॉस्टली मोबाइल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खरीदा जाए जल्द सस्ता हो जाए तो हम खरीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। शौक हो तो शौक पूरा करना चाहिए। Thanks for watching, friends. Don't forget to subscribe my channel. और आखिर में आज का पॉजिटिव मैसेज। आज का पॉजिटिव मैसेज है, ख्वाहिशें बादशाहों की भी रह जाती हैं, और ज़रूरतें अल्लाह फ़कीरों की भी पूरी करता है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।